आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक ऐसा कांड जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी, जो साल 2001 के चर्चित कांड में से एक था, वो था उसर चट्टी हत्याकांड। उस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह को कोर्ट से मिली राहत। 21 साल पहले के उसर चट्टी हत्याकांड में था शामिल। मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले का था आरोप। मुख्तार अंसारी के गनर समेत तीन की हुई थी हत्या। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद था ब्रिजेश सिंह। उस दौर का माफिया जिसका सिक्का पूरे पूर्वांचल में चलता था, जिसके आदेश के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन दिन दहाड़े गाजीपुर के उसर चट्टी में हुए हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी को लंबे समय के बाद राहत मिल गई है। पिछले 12 सालों से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सशर्त जमानत मिल गई है। ब्रिजेश सिंह को गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से राहत मिली है। आपको बता दें कि ब्रिजेश सिंह साल 2001 में तत्कालीन मऊ विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के आरोप में जेल में बंद है। 21 साल पहले 2001 में घटित उसरी चट्टी कांड में दर्ज मुकदमे में भाजपा एमएलसी ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह समेत कुल 5 लोग नामजद हैं। इनके अलावा मुख्तार अंसारी द्वारा 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 15 जुलाई 2001 को मऊ सदर के तत्कालीन विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे। सब कुछ आम था, सिक्योरिटी भारी थी, लेकिन दोपहर 12:30 बजे जैसे ही उनका काफिला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पहुंचा, उसरी चट्टी में उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक मुख्तार के गनर सहित 3 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद बिना देर किए मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से 2 की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है। 21 साल पहले हुए उसर चट्टी हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को जेल हुई थी, जिसमें आरोपी ब्रिजेश सिंह को वाराणसी सेंट्रल जेल और आरोपी त्रिभुवन सिंह को मिर्जापुर जेल में भेजा गया था। अब देखना यह है कि आरोपी ब्रिजेश सिंह को कोर्ट से मिली राहत के बाद क्या आरोपी त्रिभुवन सिंह को भी कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।